जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट मैथ। चलिए आज का सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। यानी कि ये समीकरण युग्म दिया गया है, दो समीकरण, ये समीकरण एक हुआ और ये समीकरण दो दिया गया है, समीकरण युग्म है और इसमें अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। कब? जब इस समीकरण निकाय के लिए अनंत हल होंगे तब। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ए बी सी डी ई एफ का मान लिख लेना है। तो देखिए, ये ए हो गया, ये बी और ये सी, और ये जो हो गया सो डी, और ये ई और ये एफ। तो ए का मान हो गया 2, बी का मान 3 और सी का मान 7। ठीक है, और डी का मान 2 अल्फा और ई का मान आपका अल्फा प्लस बीटा और एफ का मान 28। ठीक है, और यहां पे कह रहा है जब अनंत हल हो तो शर्त आपको लिखना है। क्या शर्त होता है? a by d equal to b by e equal to c by f। यहां से आपको इसमें सिंपली मान रख देना है, a और d का मान है 2 और 2 अल्फा, तो यहां पे हो जाएगा 2/2 अल्फा बराबर b by e, यानी कि 3/ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बराबर c by f, यानी कि 7/28 होगा। ठीक है, यहाँ कटने वाला है तो इसे आप सिंपली काट सकते हैं, तो 7 × 28 यानी ये एक बार ये 1/4 हो जाएगा और ये 2 से 2 कर दे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा सिंपली। अब आपको करना क्या है, जब कटने के बाद आपका बचेगा क्या, 1/अल्फा बराबर 3/अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको इसके बराबर कर देना है तो आपका अल्फा का मान निकल जाएगा। यानी कि जब 1/अल्फा बराबर 1/4 तो आपका बाई क्रॉस कीजिएगा तो कितना होगा, अल्फा बराबर 4। ठीक है, और जब 1/अल्फा बराबर 3/अल्फा प्लस बीटा कर दीजिएगा तो क्या होगा, देखिए अल्फा का वैल्यू आपका 4 निकला हुआ, ये अल्फा का वैल्यू इसमें आपको रख देना है, क्या हो जाएगा 1/4। क्यों? क्योंकि अल्फा का वैल्यू 4 है तो अल्फा के जगह पर आपको रख देना है बराबर 3/ अल्फा का वैल्यू 4 है तो 4 और जोड़ बीटा। अब सिंपली आपको बाई क्रॉस कर देना है तो 1 से 4 प्लस बीटा में गुना कीजिएगा तो 4 प्लस बीटा आएगा बराबर 4 से 3 में गुना कीजिएगा तो 12, और साइड चेंज कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये बीटा बराबर 12 और उस साइड जाएगा तो -4, तो घट के कितना आ जाएगा, 12 गया तो 8, यानी ये आपका बीटा का मान हो गया और ये जो हो गया सो अल्फा का मान हो गया। ठीक है, ये अल्फा आ गया और ये आपका बीटा आ गया, क्लियर। तो जब इस समीकरण युग्म के लिए अनंत हल होने की बात हो तो अल्फा और बीटा का वैल्यू क्रमशः 4 और 8 हो जाएगा, तभी जा करके इस समीकरण युग्म का अनगिनत हल होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, m के किस मान के लिए निम्न युगपत समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, ये समीकरण जो युग्म दिया गया है, तो ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें ए बी सी डी ई एफ का मान लिख लेना है। तो ये आपका ए का वैल्यू और इसका वाई का गुणांक बी का वैल्यू और ये सी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका जो गुणांक होगा वो बी का वैल्यू और इसमें ये डी का वैल्यू, ई का वैल्यू और ये एफ का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 3, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू भी 1। ठीक है, और यहाँ से यहीं लिख लेता हूँ मैं, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2m+1। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, ये 2m लिख देंगे, 1 को छोड़ देंगे, या उनको समझ में नहीं आता जो हम क्या करें। तो आपको सिंपली क्या करना है कि x को छोड़ कर जो बच जाता है वो वैल्यू हो जाएगा जो जिसका गुणांक रहेगा। यहाँ पे x का गुणांक ये हो गया तो ये लिख लेना है, डी का वैल्यू डी के स्थान पर है तो अच्छा, ई के जगह पर कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा m+1। ठीक है, और एफ के जगह पर कितना 2m+1। ठीक है, और यहाँ पे कहा क्या है, देखिए ना, कोई हल नहीं होगा, तो जब कोई हल ना हो तो शर्त क्या होता है, a by d equal to b by e is not equal to c by f।
ये दोनों बराबर होता है, ये इसके बराबर नहीं होता है। तो सिंपली आपको वैल्यू रख देना है ए बाई डी, तो ए कितना है 3 और डी कितना है 2m+1 बराबर बी बाई ई, यानी बी का वैल्यू 1 और ई का वैल्यू आया है m+1। ठीक है, और इसको नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि ये बराबर नहीं है। अब इसी को क्या करना है, बाई क्रॉस कर लेना है। तो बाई क्रॉस करेंगे तो इससे इसमें गुना करेंगे तो 3m+3 से 1 में 3 हो जाएगा, और 1 से इसमें गुना करेंगे तो 2m+1 हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपली इसे साइड चेंज करके लिख लेना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3m- ये 2m है प्लस में, तो इस साइड आएगा लेफ्ट साइड, तो 2m हो जाएगा माइनस में बराबर 1, और ये प्लस 3 तो उस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। सिंपली आपको घटा करके लिखना है, तो m बराबर ये घट जाएगा तो -2, यानी कहने का मतलब m बराबर -2 हो गया, ये m का वैल्यू हो गया। कब? जब इस समीकरण युग्म के लिए कोई हल नहीं होगा। कब? जब m के जगह पर -2 रखेंगे तो जाकर के ये समीकरण युग्म है, इसका कोई हल नहीं होगा। आई होप कि इस वीडियो में बताएगा दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।